बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू पराठा रोल। आलू पराठा रोल बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे आलू हैं। अगर चिकन नहीं है आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, पराठा रोल खाने का दिल कर रहा है तो आलू को बॉयल कीजिए और पराठा रोल रेडी कर लीजिए। पराठा रोल बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पे आलू हाफ के जी, मायोनीज़ है मेरे पास 2 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस है 2 to 3 टेबल स्पून, थोड़ी सी गाजर है उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च है उसको भी लंबाई में उसकी कटिंग कर ली है, प्याज सेम लंबाई में उसको मैंने कट कर लिया है, बंद गोभी है सेम प्रोसीजर से लंबाई में इसको कटिंग की है, हरा धनिया है मेरे पास थोड़ा सा, लहसुन के 5 से 6 जवे हैं और आलू की मिक्सिंग के लिए मेरे पास स्पाइसेस हैं, ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून। चलें जी, सबसे पहले आलू को मैश करते हैं और इसकी मिक्सिंग करते हैं। हाथ की मदद से आपने सारे आलू मिक्स कर लेने अच्छे तरीके से। ये देखें जी, आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अगेन आपने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। ये देखें जी, अच्छे से मैंने सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। अब हम पराठे तैयार करते हैं। पराठे तैयार करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने आटा किस तरह गूंदा। ये देखें जी, पराठा बनाने के लिए मैंने सिंपल 2 कप मैंने लिया था मैदा। मैदे में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किए थे घी के और इसको सिंपल मैंने जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह गूंद दिया, और आपने इसमें 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड करना है। गूंदने के बाद मैंने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे। अब इसको इसके इक्वल साइज के पेड़े बनाते हैं और पराठे तैयार करते हैं। आप लोगों ने अंदाजे से थोड़ा सा आटा लेना है और छोटे छोटे पराठे के इक्वल आप लोगों ने थोड़ा सा आटा लिया है और इसको सिंपल इसका पेड़ा बना लेना है। पराठे का साइज ध्यान में रख के आप लोगों ने इसका पेड़ा तैयार करना है। इसी साइज के मैं बाकी सारे पेड़े तैयार करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, पेड़े मैंने बना लिए। अब बारी आती है इनको बेलने की। बेलने से पहले आपने इसको खुश्क आटा लगाना है। लगाने के बाद इसको हाथ की मदद से आपने इसके किनारे प्रेस करने हैं। अब बेलन की मदद से आपने पराठे को बेल लेना है। इसके सारे किनारे आपने प्रेशर, बेलन से प्रेशर अप्लाई करना है और इसके सारे किनारे आपने बारीक कर लेने हैं। पतला सा आप लोगों ने इसका पराठा बेलना है। ये देखें जी, मैंने पराठा बेल लिया है इतना, ये देखें थिक है। इसी मेथड से मैं बाकी पराठे भी बेलती हूँ, फिर इसको रेडी करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। ये देखें जी, सारे पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने सेम उसी मेथड से पेड़े बना के, छोटे छोटे पेड़े बना के उसको बेल के सबको कुक कर लिया है। अब इसमें फिलिंग ऐड करने की बारी आती है। चलें जी, 1 by 1 करके इसको फिल करते हैं। ये देखें जी, सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मायनीज ली है, चिली गार्लिक सॉस लिया है 6 से 7 जगह, जो मैंने लहसुन के लिए थे उसको मैंने सिंपल ग्रेट कर लिया है, एक बॉल में शामिल कर लिया है। अब इसमें मायनीज ऐड करते हैं। चिली गार्लिक सॉस, आपने इसे पहले अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी, आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये अभी बहुत थिक है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूंगी। ठंडा दूध लेना है आप लोगों ने। थोड़ा सा ऐड करने के बाद मैं दोबारा इसको मिक्स करती हूँ। ये देखें जी, दूध शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब इसका टेक्सचर चेक करेंगे, इतनी थिक होनी चाहिए।
पराठे पे लगाने के बाद ताकि ये बाहर ना निकले। चले जी, आप फिलिंग तैयार करते हैं। एक एक करके सारे पराठे रेडी करते हैं। ये देखें जी, पराठा मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब सबसे पहले जो हमने सॉस तैयार की है, इसको पूरे पराठे पर लगाएंगे। अच्छे तरीके से आपने स्प्रेड कर लेनी है। ये सॉस लगाने से इसका बहुत मजे का टेस्ट आता है। अब सेंटर में आलू का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था, इसमें मैं हरा धनिया ऐड करना भूल गई थी। मैंने बाद में इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लिया। चलो, अब इसमें थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स, अगर आप लोगों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें। ये सिंपल आलू के मिक्सचर से और ये जो सॉस हमने तैयार किया है, इससे भी बहुत मज़े का बनता है। शिमला मिर्च, चले जी दोबारा से इसके सेंटर में सॉस, गार्लिक के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। अब इसको करते हैं रोल। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखें जी, हमने रोल कर लिया पराठे को। सेम इसी मेथड से मैं बाकी सारे पराठे तैयार करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखें जी, हमारे आलू पराठा रोल सारे रेडी हो चुके हैं। ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है आप सब लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी से आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।